नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर मध्य प्रदेश भिंड से है। मेहगांव विधानसभा में इन दिनों चुनावी सभाओं का लग रहा मेला। बहुजन समाज पार्टी ने गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार कर बिगाड़े समीकरण। जानकारी अनुसार मेहगांव उपचुनाव में इन दिनों त्रिकोण समीकरण के माया जाल में मतदाता चक्कर खा रहे हैं। एक ओर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की आम सभाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी योगेश मेघ सिंह नरवरिया गांव-गांव जाकर अपने वोटर मतदाताओं से संपर्क कर अन्य दलों के नेताओं के पसीने छुटा रहे हैं। हालांकि जब प्रत्याशी से बातचीत की गई तो प्रत्याशी ने साफ इनकार किया है कि उसका मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि मेहगांव विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की जनता मांग कर रही है। दूसरी ओर प्रत्याशी के पिता ने कहा, रोज रोज मीडिया के द्वारा रिपोर्ट कार्ड किसी न किसी प्रत्याशी का अखबारों में छापा जाता है, जिससे आम जनता भी भाजपा कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में बहुजन को चुनना ही उनका विकल्प माना जा रहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्य प्रदेश भिंड से ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। आपका चुनाव कांग्रेस बीजेपी से हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। त्रिकोणी मुकाबला है? नहीं, त्रिकोणी नहीं है। अच्छा, किससे आपका मुकाबला, किससे है? अपना मुकाबला फिर मैं किसी से नहीं है। हाँ, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमारा मुकाबला, हमारी टक्कर वो लोग बीएसपी से हो रही है। कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि हमारी मुकाबला वो लोग बीएसपी से है। इसलिए अपना तो ये है, हमारे जो रुझान आ रहा है क्षेत्र से, जो भी रुझान आ रहा है रुझान से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी टक्कर ना तो बीजेपी से है ना कांग्रेस से, किसी से टक्कर नहीं है। तो आपकी टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं, एक भी कैंडिडेट टक्कर में नहीं है। क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उनका चरित्र सब लोग, सब यहाँ के वो मतदाता हैं, यहाँ का लोकल का जो मतदाता है, मेहगांव विधानसभा के जो मतदाता हैं, दोनों का चरित्र मालूम है। क्योंकि पेपर में भी निकलने लगा आजकल, मीडिया पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा डाल रहे हैं लोग। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं डाला गया, लेकिन एक्चुअल में जो उनका चरित्र है वो सब सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। इसलिए यहाँ का मतदाता है वो सब समझने लगा है। और जो अपने दल बदलू हैं उनका भी मतलब दल बदलू की वजह से भी बीजेपी का रुझान मतलब जो ग्राफ है यहाँ का वोट डाउन हो गया है। कांग्रेस का चरित्र के ऊपर डाउन हुआ है और भारी प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस बहुत माइनस में जा रही है अभी यहाँ पे। इसलिए एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि बीएसपी के कैंडिडेट से टक्कर ले। धन्यवाद योगेश जी। जी बताएं, आप चुनाव प्रचार में क्या चल रहा है आपका? सर, सब बढ़िया चल रहा है। और सर क्या आपको ऐसा आपको लग रहा है, जन समर्थन आपको मिल रहा है लोगों का? जी सर, सबको साथ मिल रहा है। ओबीसी का, एससी एसटी का, सबको साथ मिल रहा है। तो इस ये साथ जो मिल रहा है इससे क्या लग रहा है आपको, क्या आप चुनाव जीतेंगे? जी सर, बिल्कुल जीतेंगे। चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? सर, चुनाव मेरा मुद्दा रहेगा विकास करना, शिक्षा करना, लोगों के लिए हित में कार्य करना, ये सब मुद्दा रहेगा। तो आज कहाँ का दौरा है आपका? सर, आज रोन साइड जाएंगे सर, तो मीटिंग है, सभाएं वगैरह लेंगे, नुक्कड़ सभाएं लेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, जान बच्चे करेंगे। तो क्या लोग अपनी समस्याएं भी आपको बताते होंगे, कुछ समस्याएं रखते हैं कुछ लोग आप? जी सर, सबसे पहला मुद्दा सर उनका शिक्षा का है, जो सर बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में। सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहा है कि मैं उनके लिए हमेशा शिक्षा के आगे लाऊं और उनके लिए काम करूं। जो अभी नया एक प्रकरण हुआ था कि आपकी गाड़ी जा रही थी उसके कुछ बैनर कुछ लोगों ने फाड़ दिए थे, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? सर, ये बहुत ही दुखद घटना है, इसे सर हम आगे जा रहे हैं, इसे सर में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या उन लोगों ने अच्छा किया कि बुरा किया? सर, ये तो अच्छा ही किया उन लोगों ने सर, ये मालिक प्लस पॉइंट है। उनका जनाधार घट रहा है, इससे क्या उनका नुकसान होगा कि फायदा होगा? सर, इससे उसका उनका नुकसान ही होगा सर, कोई सर फायदा नहीं है। ठीक है।